गाइस मैं आपको बंदर दिखाती हूँ। तो क्या नाचो मैं? हाय शक्ल दिखा। हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियोज़ डाली हैं बट व्लॉग नहीं था, तो ये पहला व्लॉग है मेरा। तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज का व्लॉग होने वाला है डे आउट विद माई फ्रेंड्स। येस आई एम गोना मीट माई स्कूल फ्रेंड्स और मैं आपको भी मिलाऊंगी उनसे। तो काफ़ी महीनों बाद हमें टाइम मिला है ऐसे मिलने का, क्योंकि उनकी भी क्लासेस चलती हैं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं। सो पहले मैं जाऊंगी अपने कॉलेज, क्योंकि क्लासेस में मिस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का सीन होता है। तो क्योंकि अभी निकलना सेफ नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले क्लासेस ले लेती हूँ अपनी, जितनी भी क्लासेस होती है उसके बाद हम लेंगे, क्योंकि तब तक थोड़ा बारिश भी कम हो जाएगी। तो मैं अपने फ्रेंड को भी अपने कॉलेज से पिकअप करूँगी, क्योंकि एक फ्रेंड मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, तो हम दोनों वहीं से साथ में निकलेंगे। तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी और पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कि हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहे। उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सो या चलते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो मैं निकलती हूँ, आपको वहीं डायरेक्ट अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। बाय, मिलते हैं। 2000 years later. So finally, hi to guys. Hi guys. तो ये मेरी बचपन की मतलब friend. हाँ, school की friend है। देख लो अच्छे से। ये खुद इसने raincoat पहन रखा है और मुझे कह रही हाथे के नीचे बैठ जाइयो तू। और यहाँ बहुत बारिश हो रही है, लेकिन हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त ने आज छुट्टी ले ली है। सिर्फ हमें मिलने के लिए तो इसलिए आज हम घूमने जा रहे हैं। मैं आज सुंदरवन के जा रही हूँ, पर मुझे इसलिए कैमरा फ्लिप करना नहीं आ रहा है। दीदी बात दीदी, दीदी आप देख सकते हो मैं घूमने के चक्कर में कितनी सुंदरवन के आई थी, लेकिन बारिश ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। और ये मेरी दोस्त। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं क्लॉक टावर। हमारी दूसरी दोस्त है याश्विन, हाई कर दे। हाय, हमारी दूसरी दोस्त है, ये भी मेरी स्कूल फ्रेंड है। और मैं आपको दोस्त आप मिल गए होंगे। और ये है मेरी दूसरी दोस्त याश्विन। हाय हाय। ओह माय गॉड, वाओ, शक्ल दिखा। ये दोनों शर्मा रहे और ये दोनों फोटो शूट कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं, तो बिजी हो रखे हैं। बता दो कहाँ जाना है यार। क्या प्लानिंग है अभी? प्लानिंग तो कुछ हो ही नहीं है, पर देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चलते हैं अभी, हम देखते हैं, आपको वहीं लेके चलेंगे। मिलते हैं। गाइस हम निकल रहे हैं, हम इसे फॉलो करते हुए जा रहे हैं। गाइस ये हम आप राजपुर रोड में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज बारिश हो रही है, इससे पहले नहीं हो रही थी। किसी से मेरी दो के बाद जिसने रेनकोट पहन लिया, कहा कि मैं नहीं पहनूंगी, और इन दोनों ने रेनकोट पहन लगा। दोनों रेनकोट पहनते हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और गाइस आप ये देख सकते हो मेरी दोस्तें आ चुकी हैं, हरामी दोस्तें, जिन्होंने अपने आप को रेनकोट पहना और मुझे। सो गाइस हम आ चुके हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पेनीडी पाई, और ये है यहाँ का एम्बियंस। तो यहाँ से मैं एंट्री लेती हूँ, मेरे दो दोस्त हैं। और गाइस आप देखो कितनी बारिश हो रही है, इस बारिश में भी हम आए हैं। तो यहाँ का मैं आपको एम्बियंस दिखाती हूँ अंदर का। देखो स्टाइल मार रही है। तो यहाँ पे ये अंदर जाते ही क्यूट सा एम्बियंस आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक लगा रखे थे, तो कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे बैठें, तो हमने डिसाइड किया कि ऊपर बैठते हैं, क्योंकि ऊपर से पूरा कैफे का व्यू आ जाएगा। हम लोग ऊपर जा रहे थे, इन दोनों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, और तो ये ऐसे स्माइल देते देते ऊपर जा रहे थे। तो मैं आपको फिर यहाँ का सेटअप दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे लैंप लगे थे एंड ये काफ़ी स्पेशियस था, बाहर भी बहुत अच्छा सीटिंग एरिया था। सो यू मस्ट विजिट हेयर एंड दिस इज़ द बिहाइंड द सीन ऑफ द फोटोज़। एंड यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी। सो अभी ऑर्डर आने में टाइम था, सो टिल देन वी डिसाइडेड कि फ़ोटोज़ एंड रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं।
और आप इनकी स्माइल देखो। सो अगर आपको फोटोज़ वगैरह देखनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे हम यहाँ का ऑर्डर इंजॉय करते हुए, काफ़ी अच्छी सर्विसिंग थी इनकी। एंड आई वुड सजेस्ट यू आप एक बार जरूर जाए अगर आप देहरादून के हैं। एंड यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था। इसने चटनी गिरा दी। मैंने नहीं गिराई। अब साफ कर दो। अच्छा, हमको सिखा रही है। तेरी बॉटल, इसने मेरी बॉटल में चटनी गिरा दी। ऐसे फोटो और इनको यहाँ पे स्विंग खेलना था। सो मैं आपको आपका टूर दे रही हूँ। थोड़ा पिज्जा बनाने के लिए यूज किया बट बारिश की वजह से ये बंद था। और यहाँ का बाहर का एम्बियंस वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी ब्यूटीफुल थी। अगर आप देहरादून में हो तो यू मस्ट विजिट है, ये राजपुर रोड की साइड लोकेटेड है। और यहाँ पे हम एक साथ थोड़ा सा इंजॉय करते हुए स्कूटी निकाल रहे हैं दोनों के दोनों। हम यहाँ से निकल चुके हैं और इससे निकल नहीं रही है। इस हम जा रहे हैं, हमने खा लिया है, मजे कर लिए। बाई नहीं, अभी हम जा रहे हैं क्लॉक टावर, उसका भी शूट करेंगे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। इनका तो अलग ही चलता है गाइस, ठीक जाएगा। अच्छा, ये स्कूटी अभी ये चला रही है, उसको शूट करना है तो इसलिए ये पीछे बैठ रही है स्कूटी के पीछे। और गाइस अब देख, देख लो इसने हेलमेट पहन लिया है। देखिए जगह का नाम नहीं पता बट यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस हम जा रहे हैं वेस्ट साइड, ये है। मेरी फ्रेंड को शॉपिंग करनी थी तो इधर आए हैं। एंड हेयर इट इज़ आर ओ ओ टी डी ऑफ द डे। सो मेरा तो आपने पहले देख ही लिया होगा, तो ये आशमीन का है। एंड निकिता का भी देख ही लो, आपने बाल फ्लिप वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे ये दोनों अपने के लिए ड्रेसेस देख रहे हैं, आई डोंट नो किस पर्पस के लिए देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा क्योंकि काफ़ी क्राउड था, काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ की कलेक्शन बहुत ही कूल थी, अच्छी अच्छी फ्लैट्स आ रखी थी, कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। मेकअप का आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे पाउचेस वगैरह भी थे, देन आपको यहाँ पे पाउचेस मिल जाएंगे, मेकअप पाउचेस, काफ़ी स्लिंग बैग वगैरह थे, स्लीपर्स थी, एंड बूट्स वगैरह काफ़ी कूल थे। एंड बैग के कलेक्शन भी काफ़ी कूल से एंड ट्रेंडी बैग्स आ रखे थे। हम नीचे क्योंकि इन्होंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आया कुछ, इनके मतलब की चीज़ें नहीं थी ना, क्योंकि इसलिए इनको पसंद नहीं आया कुछ। अब हम जा रहे हैं क्लॉक टावर, तो मिलते हैं हम आपको वहीं। हमारी स्कूटी का है सामने, क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा रोड को। गाइस ये मैं हूं, ये मेरी दोस्त स्कूटी चला रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइस अब हम फाइनली इतने घंटों बाद घंटाघर पहुंच चुके हैं, और इसके आगे अब हम जाएंगे पलटन बाज़ार में, क्योंकि मुझे वहां से अपना कुछ सामान लेना है। तो आप देख सकते हो यहां पे कितना ट्रैफिक है। हम पलटन बाज़ार आ चुके हैं, ये यहां से मेन एंट्री है और ये मेन बाज़ार है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। ये मेरी फ्रेंड है। अगर आपको पलटन बाज़ार का पूरा व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरा व्लॉग स्टार्टिंग से पूरा व्लॉग दिखाऊंगी आपको पलटन बाज़ार का, मुझे कमेंट में बता देना बस आप। गाइस अब ये जा रही है क्योंकि इसका इसका जो घर है वो उस साइड है, हमारा उस साइड है, तो ये जा रही है। बाय करते, बाय गाइस। तो ये जा रही है, नेक्स्ट ट्रिप कब होगी हमारी, जल्दी होगी, इसको जरूर घुसना होता है। चल बाय, इसको अब छोड़ने जा रही हूँ कॉलेज में, मैं आपको अपना कॉलेज दिखा। मेरे कॉलेज का टूर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कॉलेज का टूर दूंगी, पूरा कॉलेज घुमाऊंगी आपको। और तो मैं अभी इसको छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि ये हॉस्टल में रहती है, इसलिए मुझे इसको कॉलेज छोड़ने पड़ रहा है। तो मैं छोड़ती हूँ कॉलेज, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। तो या मिलते हैं, इसको पहले छोड़ने जाना। जा रही है अपने हॉस्टल, इसका हॉस्टल यहाँ पे रूम, तो मैं तब दिखाऊंगी जब अगर आप कमेंट बताओगे। जा रही है, बाय गाइस, बाय। इसकी हालत देखो, मेरी हालत भी देखो, बहुत थक गए देख रहे हो आप शक्ल में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Subscribe and like guys, please subscribe और like कर दे।